नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत करेंगे 100 खबरों की। मुंबई में भी ओमाइक्रॉन की एंट्री। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स संक्रमित। देश में अब तक 4 मामले। मुंबई में किशोरी पेडनेकर ने कहा, हम जोखिम वाले देशों से लौटने वाले लोगों के बारे में सतर्क हैं। कोरोना को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर प्रशासन की तैयारियां तेज। 100 रैपिड पीसीआर मशीनों के साथ सैंपल के लिए 60 बूथ तैयार किए गए। गुजरात में भी मिला ओमाइक्रॉन का केस। जामनगर में 60 वर्षीय बुजुर्ग में हुई नए वेरिएंट की पुष्टि। जिम्बाब्वे से गुजरात लौटा एक व्यक्ति पॉजिटिव। जीनोम सिक्वेंसिंग से पता चला कि मरीज ओमाइक्रॉन से संक्रमित है। जिम्बाब्वे से जामनगर लौटे पॉजिटिव बुजुर्ग के संपर्क में आए 39 नागरिकों को आइसोलेट किया गया। ओमाइक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर होगी चर्चा। ब्रिटेन से अहमदाबाद आई एक युवती के एयरपोर्ट पर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फ्लाइट में कुल 200 पैसेंजर सवार थे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पैसेंजर की नहीं हो रही स्क्रीनिंग। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिखी बड़ी लापरवाही। ओमाइक्रॉन दहशत के बीच टीकाकरण में तेजी। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बोध गया में मंगोलिया से पहुंचा नागरिक कोविड पॉजिटिव। वेंकैया नायडू से भी मिला था शख्स। जमशेदपुर में अमेरिका से आए 2 लोग अपना कोरोना सैंपल लेकर भागे। अपने टेस्ट का सैंपल लेकर भागे कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया गया। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। जयपुर में बिगड़ रहे हैं कोरोना से हालात। आज 2 स्कूली बच्चों समेत 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन के डर के बीच सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों में चेतावनी जारी की। केरल में पिछले 24 घंटे में 4,557 कोरोना के नए मामले, 52 की मौत। तमिलनाडु के मदुरई में वैक्सीन को लेकर सरकार अलर्ट। एक हफ्ते के अंदर लगानी होगी कम से कम 1 डोज। असम में पिछले 24 घंटे के कोरोना के 169 मामले दर्ज। 95 कोरोना मरीज रिकवर हुए, 3 की मौत। 2 एयरलाइंस पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप। दिल्ली सरकार ने नोटिस भेजा। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में ओमाइक्रॉन को लेकर तैयारियां पूरी। नए मामलों से बड़ी वेरिएंट की दहशत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर आईआईटी इलाहाबाद में ऑफलाइन क्लास और हॉस्टल बंद किए गए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिवों को लेटर लिखकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। WHO के इमरजेंसी चीफ का कोविड वैक्सीन को लेकर बयान। कहा, ओमाइक्रॉन के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पर अब तक कोई तथ्य नहीं है। 7 दिसंबर को WHO के टेक्निकल ग्रुप की अहम बैठक। कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज पर चर्चा होगी। ओमाइक्रॉन की अब तक देश में 38 मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने बताया, इससे अभी एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। मैक्सिको में भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई। 21 नवंबर को साउथ अफ्रीका से वापस आया था शख्स। साउथ अफ्रीका ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। मेलबर्न में वैक्सीनेशन के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। कुछ दिन पहले वैक्सीनेशन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने कमेटी बनाई। किसानों की कमेटी में बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, यदुवीर सिंह, अशोक धावले और शिव कुमार कक्का शामिल हुए। सिंघू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 7 दिसंबर को होगी किसान नेताओं की अगली बैठक। 6 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का बिल संसद में पेश होगा। टिकैत ने निजीकरण के विरोध का आह्वान किया। किसानों की बैठक के बाद शिव कुमार कक्का का बयान, फोन कॉल पर वापस नहीं होगा आंदोलन। लखीमपुर में गन्ना किसानों का धरना जारी। भुगतान नहीं होने पर कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ की सौगात। कहा, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से देहरादून की दूरी आधी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ दलों ने जनता को मजबूत नहीं मजबूर बनाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा, मुझे पूरा विश्वास है पीएम के नेतृत्व में हम जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संग प्रधानमंत्री देंगे यूपी को बड़ा तोहफा। सुरक्षा बलों को मिलेगा अचूक हथियार। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह। तनोट राय माता मंदिर में पूजा अर्चना की। आज जाएंगे जयपुर। अमित शाह ने रोहिताश सीमा चौकी का दौरा किया। बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में शिरकत की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन में लोकलेखा समिति के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में समापन पर भाषण देंगे। जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण योद्धाओं को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी का एक दिवसीय अमेठी दौरा आज, जन स्वास्थ्य मेले में शामिल होंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। बाबरी विध्वंस की बरसी से पहले मथुरा में अलर्ट, कृष्णा जन्मभूमि ईदगाह पर जलाभिषेक की योजना। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर 7 दिसंबर तक सभी वाहनों पर रोक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की वकालत की है, ये सबके लिए फायदेमंद है ये बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने के प्लान में बदलाव हुआ, अब सोमवार को जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के हल्का खन्ना विधानसभा में मनीष सिसोदिया व्यापारियों के कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, पटियाला अर्बन यूथ कांग्रेस टीम ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, कैप्टन अमरिंदर के अपमान का हवाला दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, कहा मैं अखिलेश नहीं बल्कि अखिलेश अली जन्ना कहता हूं। आज सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी के 7 दिसंबर को गोरखपुर दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं सामना में ममता पर लेख को नाना पटोले ने बताया सही, कहा देश सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। निकाय चुनाव को लेकर टीएमसी की बैठक, त्रिपुरा नगर पालिका चुनावों में मिली हार की समीक्षा हुई। नेपाल कांग्रेस ने 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा। अपने वादों से मुख रहे सीएम हेमंत सोरेन, कहा युवा नौकरी क्यों ढूंढते हैं, कोई दूसरा व्यापार क्यों नहीं करते। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केनिजेति रोसैया का निधन, लंबे समय से बीमार थे रोसैया। कंगना रनौत ने मथुरा जाकर बांके बिहारी मंदिर में पूजा की है। चुनाव प्रचार के सवाल पर बोली, जो भी राष्ट्रवादी उसके लिए प्रचार करूंगे। कंगना रनौत जावेद अख्तर मानहानि मामले पर अदालत में सुनवाई टली, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जवाब तूफान का कहर, पीयूष गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की है। जवाब तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 52 टीमें तैनात, डीजी अतुल अग्रवाल ने कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है। जवाब तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात हैं। केरल में भारी बरसात के बीच आज सबरीमला में तीर्थ यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगाई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, 4 लोगों को बनाया गया आरोपी। सुकेश चंद्रशेखर पत्नी लीना समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर, 13 दिसंबर को अगली सुनवाई। ईडी की चार्जशीट में खुलासा, आरोपी सुकेश ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिया था चार्टर जेट जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए थी। सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री नोरा फतेही को गिफ्ट की थी बीएमडब्ल्यू कार और आईफोन, चार्जशीट में खुलासा हुआ। जेएनयू में राम के नाम डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जाएगी, आदेश जारी किया गया। जेएनयू प्रशासन ने राम के नाम डॉक्यूमेंट्री के रोक पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का हवाला दिया है। उत्तराखंड के बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर हमला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के समर्थकों पर हमले का आरोप। मैसूर में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने का विरोध, एक शख्स ने गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की जांच शुरू, एनआईए ने संभाला मोर्चा। मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शराब की खाली बोतल मिली है, बोतलों को जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी। सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सख्त कार्रवाई के दावे के बावजूद वैशाली जिले में शराब की खाली बोतल बरामद हुई। बिहार के जमुई में नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। कानपुर में एक अपार्टमेंट से महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए, पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ जिले के अंदर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु की मौत हुई, परिजनों ने प्रदर्शन किया, हत्या का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बरसात से प्याज किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, प्याज के दाम में भारी गिरावट। पंजाब के भटिंडा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का विरोध कर रहे थे कर्मचारी, पुलिस ने जबरन उठाकर गाड़ियों में बिठाया। मुंबई के डोंबिवली स्टेशन पर पुलिस जवान की मुस्तैदी से टला हादसा, ट्रेन से गिर गई थी एक महिला। मैंगलोर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक शख्स को 2 बंदूक के साथ गिरफ्तार किया, सीआईएसएफ ने मामला दर्ज कर लिया। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मामला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। मुर्शिदाबाद में नौकरी के लिए फॉर्म जमा करने गए युवकों ने धक्का मुक्की की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के लिए चलाया जा रहा है घर वापसी अभियान, 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिथौरागढ़ में जमकर बर्फबारी हुई, 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने से जवानों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा हुआ, 4 की मौत हुई। यूएस के हवाई में बर्फबारी हुई, नेशनल वेदर सर्विस ने बर्फीली तूफान की चेतावनी जारी की। अफगानिस्तान पर यूरोपीय संघ ने कहा आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ भारत ही चिंतित नहीं, हम भी कर रहे हैं चर्चा। अमेरिका के
ओक्लाहोमा में विस्फोट में एक घर ढह गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिशिगन स्कूल में फायरिंग के खिलाफ पीड़ितों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेरू के सैनिकों द्वारा मारे गए 15 लोगों के अवशेषों को दफनाया गया। 30 साल पहले इंडीज में मारे गए थे सभी। ग्रीस के लिए रवाना हुए पोप के दौरे से पहले जोनों पर है तैयारियां। क्रिसमस से पहले जगमगाया वेस्ट बैंक का मशहूर मैंगर स्क्वाड। भारी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए। 2 महीने बाद भी सुलग रहा है स्पेन का ला पाल्मा ज्वालामुखी। करीब $962 मिलियन का नुकसान। 17 दिसंबर की जगह 26 दिसंबर को होगा पहला टेस्ट। ओमाइक्रॉन के चलते टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा 9 दिन टला है। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में बना रिकॉर्ड। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड 62 पर ढेर।